सर, वेलकम बैक। आज हम करेंगे स्टार्ट अवार्ड्स जो हमने जुलाई मंथ में देखे थे ना, इकट्ठे हम इनको रीड कर लेते हैं, तो ना कोई भी हमारा क्वेश्चन ना छूट पाए पेपर में। सो करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। उसके पहले एक पॉइंट है भाई, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, सो बाद में भूल जाओगे। सो करते हैं जी। सो देखिए, बताओ, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया, किनको दिया गया, उनका नेम बताइए। तो यहाँ पर हमारे इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं टाटा ग्रुप के, और इनका नेम क्या है भाई, रतन जी टाटा। तो रतन जी टाटा को जी अवार्ड मिल चुका है जी, फर्स्ट टाइम जी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। ओके, सो इम्पोर्टेंट है, ओनली जो इंडस्ट्री की फील्ड में जी प्रोवाइड करना उन्होंने स्टार्ट किया है जी। चले आगे, देन देखिए, जे रहे पीएम मोदी और लोकमान्य जो तिलक अवार्ड दिया गया था 2023 का, किनको दिया गया, पीएम मोदी को। वो तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जी, अवार्ड बहुत से लेते रहते हैं। सो उनका नेम इम्पोर्टेंट है, पीएम हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रॉम दी 2014 से लेकर, सो नरेंद्र मोदी हाल ही में जीत चुके हैं लोकमान्य तिलक अवार्ड, समझे बात, जो कि तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट इनको प्रोवाइड करती है जी। और जी हमारे जो लोकमान्य तिलक थे, 1 अगस्त को उनकी डेथ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हुए उस दिन जी प्रोवाइड करते हैं जी। ओके, चले आगे। तो देखिए, देन स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला फॉर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047। आपको सभी को पता है 2022 से लेकर 47 तक एज अ अमृत काल की तरह इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं भाई, ठीक है। सो यहाँ पर जे अवार्ड मिला कौन सी हमारी स्टेट को, ये मिला यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है जी। सो उनका जो विजन है, सो दैट्स वाई दिया गया जे अवार्ड, सिग्निफिकेंसली मेरे डेडिकेट करता है जो प्रमोट करता है लाइवलीहुड को, देखो लाइवलीहुड को, साथ में एम्पावर करता है कम्युनिटीज को, एंड देन उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर ना एक वुमेन्स हट एंड डिस्ट्रिक्ट रूरल हट्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो हमारी वुमेन्स हैं ये यहाँ पर काम करती हैं, उनकी हेल्प के लिए, मेनली उनको कंज्यूमर के साथ में डायरेक्टली अटैच करने के लिए, ताकि वो अपना प्रोडक्ट है वहाँ पर सेल कर पाएँ विद दी नेगोशिएशन। आपको कोई भी आपका बिचौला नहीं पाना पड़ेगा, मीन्स कि आपको प्रॉपर बेनिफिट डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट जी, भूमि सम्मान अवार्ड अभी हाल ही में दिए गए थे, बताओ किसके साथ में वो एसोसिएट करते हैं। सो जी बताइए, जो कौन किनके अंदर प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर देखें डिजिटल इंडिया लैंड, सो देखिए जो बैकग्राउंड नॉइस के कारण थोड़ी सी दिक्कत आई थी, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम किसान योजना, पीएम फसल बीमा योजना। सो मेनली जैसे इसका नेम है भूमि मीन्स के लैंड, ठीक है। सो इस मेनली लैंड के रिकॉर्ड्स को लेकर जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसके लिए ये प्रोवाइड करते हैं जी। सो यहाँ पर हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका नेम क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, संथाल ट्राइब से। ओके जी, 15th नंबर के हमारे इंडिया के वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, ठीक है। इनके द्वारा इसको यहाँ पर अनाउंस किया गया। सो मेनली यहाँ पर उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले, लेकिन जो 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने पार्टिसिपेट किया वो ध्यान में नहीं रखना। सो मेनली जो हमारा डिजिटल कर रहे हैं भाई लैंड के रिकॉर्ड को, उस प्रोग्राम के लिए जी मिला, कौन कौन सी स्टेट को, बहुत सी स्टेट को यहाँ पर अलग अलग अवार्ड मिले, लेकिन उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा मिले। सो जी ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के, आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है जी, बताइए इन द कमेंट बॉक्स। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इंडियन अमेरिकन फिजिशियन थे जो कि बाद में पॉलिटिशियन बन चुके थे, उनको चैंपियन ऑफ द हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड दिया गया बाय द यूएसए, उनका नेम बता दीजिए, बताइए। सो यहाँ पर इनका नेम क्या है भाई, एमी बीरा। सो एमी बीरा जी, सो इंडियन अमेरिकन फिजिशियन टर्न पॉलिटिशियन ने, उनको जो अवार्ड मिला जो उनका कंट्रीब्यूशन है हाई क्वालिटी एंड केयर अफोर्डेबल असेसिबल इन इंडिया, जो आपकी हाई क्वालिटी जो केयर है, हेल्थ केयर है,
उसको प्रोवाइड करने को लेकर विद द अफोर्डेबल मैनर इन द यूएसए में, ठीक है जी। सो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है जी भी। देन देखो बिच जो मिनिस्ट्री ने बोर्न किया था अभी हाल ही में बेस्ट एंगेजमेंट अवार्ड फॉर दी प्रोक्योरमेंट थ्रू दी जेम पोर्टल। जेम पोर्टल क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सो यहाँ से प्रोक्योरमेंट को प्रमोट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री को मिला भाई? यहाँ पर मिला मिनिस्ट्री ऑफ कोल को। इसके अंदर कुछ हो यहाँ पर और अवार्ड्स भी दिए गए थे, जैसे देखो मिनिस्ट्री ऑफ कोल को मिला बेस्ट एंगेजमेंट को लेकर। सो देन कोल इंडिया लिमिटेड है जो, उसको अवार्ड मिला राइजिंग स्टार का। और NLC, ठीक है, इसको जो कि नवरत्ना कंपनी है हमारी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल काम करती है, इसको जेम अवार्ड मिला इन द टाइमली पेमेंट कैटेगरी में। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखें जे यहाँ पर इंडियन ओरिजिन एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है जिनको भी हाल ही में यूके का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला, यूके का पॉइंट ऑफ लाइट। सो ये भाई 7 ईयर ओल्ड एक गर्ल है। सो कहते हैं भाई 3 साल की उम्र से ही जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के जो काम है उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर चुके थे। इनका नेम बताइए, इनका नेम क्या है? मोक्षा रॉय। सो मोक्षा रॉय जी ये अवार्ड को पा चुके हैं जी, 7 ईयर ओल्ड हैं। सो इनका जो एफर्ट है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट्स वाई इनको ये अवार्ड मिला। ओके साथ ही में जी वर्ल्ड के यंगेस्ट सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं भाई, हु विल बी दी अवार्डेड दी इंटरनेशनल एनी अवार्ड सो इन दी एडवांस्ड इन्वायरमेंटल सोल्यूशन कैटेगरी। सो मेरे अलग अलग कैटेगरी में जो अवार्ड प्रोवाइड करते हैं, इनके द्वारा ना एक ऐसा प्रोडक्ट हमारा बनाया गया था जो हमारे वाटर से जो कंटेमिनेशन है उसको यहाँ पर ख़त्म करेगा। सो इनोवेशन की फील्ड में इनको जो दिया गया था भाई, सो इनका नेम बताइए, इनका नेम यहाँ पर है थलाबल प्रदीप। सो थलाबल प्रदीप जो कि हमारे IIT मद्रास से वहाँ के प्रोफेसर हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था एक एडवांस्ड एंड सस्टेनेबल अफोर्डेबल नैनो स्केल मटेरियल जो कि रिमूव कर सकता है टॉक्सिक जो हमारी कंटेमिनेंट्स को फ्रॉम दी वाटर। सो दैट्स वाई दिया गया। और अदर जो होते हैं भाई एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी फ्रंटियर्स को, साथ ही में एडवांस्ड इन्वायरमेंट सोल्यूशन, इन तीनों कैटेगरी में यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इटली हैं वो यहाँ पर इसको देते हैं जी, ठीक है। सो मेनली उस फील्ड में प्रोवाइड करते हैं जो कि एनकरेज करेगा कैसे हम एनर्जी एफिशिएंसी की ओर, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, डीकार्बोनाइजेशन की ओर, साथ में इन्वायरमेंट प्रोवेशन के लिए काम में एफर्ट कर सकते हैं। सो उसकी फील्ड में ये प्रोवाइड करते हैं जी। सो यहाँ पर इनको दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं भाई, देखिए वन लाइनर की फॉर्म में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको मिनरल डेवलपमेंट अवार्ड। साथ ही में यहाँ पर एम्प्लॉयर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। कहाँ पर मिला? आस्कॉम का जो बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड कंडक्ट हुआ था कोलकाता में। जो हमारा नेशनल जो मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन का, आयरन ओर का इन इंडिया। और देखिए वर्ल्ड लेवल पर 6th नंबर पर है जी, नवरत्ना कंपनी है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील काम करेगी। इसके चेयरमैन एंड MD कौन है भाई? समित देव, हैदराबाद में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें जो हमारा बताइए जो AIFF की फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, साथ में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मिला 2023 का, उनका नेम बता दीजिए। तो यहाँ पर मिला हमारे इंडियन टीम के फुटबॉलर है जिनका नेम क्या है बताओ, इनका नेम क्या है? लिंगजुला चिंगेटी। सो इनका नेम भी इम्पोर्टेंट है जी, अब आने वाले टाइम में इनका नेम चलेगा। पेपर में पूछ सकते हैं कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, सो फुटबॉल से बिलोंग करते हैं जी, ठीक है जी। सो हाल ही में इनको मिला। अगर वुमेन कैटेगरी में देखें आपको दिखाई देंगे मनीषा कल्याण। और AIFF की फुल फॉर्म यहाँ पर देखें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, समझे जी इम्पोर्टेंट बातें। नेक्स्ट चलते हैं जी, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीन ऑफ द ऑनर। सो कौन सी कंट्री का जी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है? अभी हाल ही में PM मोदी को दिया गया था, बताइए जी, सभी को पता होगा बिस्टाइल डे हमने सेलिब्रेट नहीं किया, मेनली फ्रांस ने किया। तब वहाँ पर 14 जुलाई को PM मोदी एज अ चीफ गेस्ट गए, जो कि एज अ इंडिपेंडेंस डे के रूप में जानते हैं फ्रांस का भाई। इसी दिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, ओके सो वहाँ गए और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला इनको। ये फर्स्ट बन चुके हैं हमारे PM, कोई भी PM जिनको ये अवार्ड मिला है भाई,
सो फर्स्ट पीएम पीएम मोदी बन चुके हैं, इसको पाने वाले। इसके पहले यहाँ पर आपको पता होगा प्रीवियसली जो जून मंथ में गए थे इन इजिप्ट, वहां पर भी ऑर्डर ऑफ नाइल लेकर आए थे। नेक्स्ट यहाँ पर देखें यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल जो इंडियन आइकन सेलेक्ट हुए थे, मैरीकॉम। मैरीकॉम पता है बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम द मणिपुर, बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं जी, फ्रॉम द मणिपुर। और इंडिया के ये फर्स्ट ओलंपिक मेडलिस्ट हैं इन दी वुमेन बॉक्सिंग में। देन देखो जो फिल्म मेकर हैं शेखर कपूर, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो उनका कंट्रीब्यूशन है इन दी फील्ड ऑफ सिनेमा, सो यहीं पर दिए गए थे जी, ठीक है। देन देखो नेहरू, जो नेहरू सेंटर है इन दी लंदन में, यूके इंडिया अवार्ड्स को दिया गया मेरे यूके और इंडिया के बीच में जो कंट्रीब्यूशन है कल्चर टाई को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जी, सो ये दोबारा से मैंने यहाँ पर गलती से डाल दिया, इसको छोड़ सकते हो। ब्रिटिश जो नेशनल अवार्ड मिला था जो हमारे डायरेक्टर हैं शेखर कपूर को। देन मिचेल रोजन जो कि पेन पेंटर प्राइज 2023 का जीत चुके हैं, ब्रिटिश चिल्ड्रन राइटर हैं और साथ में परफॉर्मेंस पोइट हैं। देन अनामलाई टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है जी, ये बताइए कमेंट बॉक्स में। वैसे तो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है कहाँ पर है, इन दी तमिलनाडु में, सिर्फ न्यूज़ में पहले भी था आपको अगर पता हो। सो अभी हाल ही में जे अनामलाई, सॉरी सॉरी वो तो अगस्त्य मलाई था ना, सॉरी अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व बना था लास्टली 2022 में फ्रॉम तेलंगाना तमिलनाडु। सो यहाँ पर ना इसको सीना ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 का दिया गया, सो एलिफेंट इमेज इसके द्वारा ली गई थी वहाँ पर, ओके जी। और 2007 में जो टाइगर रिजर्व यहाँ पर बना था। नेक्स्ट यहाँ पर देखें गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 का पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में कौन सी कंपनी को मिला, सो यहाँ पर मिला भाई अडानी ट्रांजिशन लिमिटेड को। अगर मैं आपसे पूछूं इन दी स्टील कैटेगरी में, स्टील सेक्टर में आपको दिखाई देगी कौन सी कंट्री, वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन देखिए अडानी के द्वारा भी हाल ही में ना इंडिया का जो फर्स्ट ट्रांसनेशनल, ट्रांसनेशनल क्या होगा, हम इंडिया में तो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी लेकिन उसका 100% किसको सेंड कर देंगे भाई, बांग्लादेश को। सो पोल्यूशन हम इंडिया में करेंगे लेकिन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टू दी बांग्लादेश, समझी बात। सो ये प्रोजेक्ट लगाया गया था हिंदी झारखंड में, इसका नेम ध्यान में रखना जी, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, गोड़ा पावर प्लांट। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं मुखरा बिकम दी फर्स्ट इंश्योर्ड विलेज, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करता है, भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सो यहाँ पर पड़ता है इंदिलाबाद में। सो फर्स्ट नेशन है जिसने प्रॉपरली इंश्योर किया 100% इंश्योरेंस को। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए भाई माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेसी अवार्ड 2023 का, ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट लिटरेचर ओनर है, लिटरेरी ओनर है, किनको दिया गया, सो यहाँ पर दिया गया किनको, शंकारी चंद्रन को। सो ये ऑस्ट्रेलियन हाईएस्ट ओनर है, इनको दिया गया, जो श्रीलंका बोर्न एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं जी, ओके सो नेम ओनली। नेक्स्ट आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ इलेक्ट हुए थे फॉर द जून मंथ के लिए, कभी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं जी, पूछ लेते हैं जून मंथ में कौन बना था, देन प्रीवियस मंथ में कौन बना था, ठीक है उनको ध्यान में रखियो। जहाँ पर अगर वुमेन कैटेगरी में देखें आपको दिखाई देंगे एशली गार्डनर, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं जी। और अगर देखिए मैन कैटेगरी में आपको दिखाई देंगे श्रीलंका के प्लेयर जो कि स्पिन बोलर हैं वहाँ के, बिनंदु हंसरंगा जी रही। नेक्स्ट यहाँ पर देखें बताओ कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको हाल ही में यूनेस्को अवार्ड 2023 का दिया गया था, बताइए। सो ये कौन सा है भाई, बैकुला, जो कि महाराष्ट्र में है, इसको दिया गया जी, हमारा इंडिया का ओल्डेस्ट जो हमारा स्टेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर ओरिजिनली ये 1853 में बिल्ड हुआ था, सो इसको प्रजर्व करने के लिए अच्छे से यहाँ पर दिया गया, जो हेरिटेज साइट है हमारी एक, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और अवार्ड्स, प्रेम प्रकाश को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि जर्नलिज्म से बिलोंग करते हैं जी। और साथ ही में जो एशिया, जो एशियन न्यू इंटरनेशनल फाउंडर है उसके, देन नरजिंदर सिंह दत्त जो कि पॉइंट ऑफ द लाइट अवार्ड मिला इन फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट, जे ऋषि सुनाक पीएम ऑफ दी हमारे यूनाइटेड किंगडम। देन जस्टिन हेनिन जो कि बेल्जियन टेनिस प्लेयर हैं, फिलिपी चार्टर अवार्ड 2023 का जीत चुके हैं जी।
नेक्स्ट यहाँ पर देखें नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हमने कब किया बताइए जी। तो ये हमने किया था ओनली 23 जुलाई को। ये मैंने क्यों डाला, जहाँ पर भी अवार्ड्स हैं क्यों, देखो जहाँ पर कौन कौन से अवार्ड्स हैं, जहाँ पर 8th और 9th कम्युनिटी रेडियो अवार्ड थे। फर्स्ट प्राइज मिला पर रेडियो माइंडट्री को, जो कि अंबाला हरियाणा से रिलेट करेगा, और इनका जो प्रोग्राम था भी उसका नेम था होप जीने की राह। देन सेकंड प्राइज यहाँ पर रेडियो हीराखंड सबलपुर उड़ीसा का थीम, या इसकी प्रोग्राम था आधार और पोषण भाग्य। सो यहाँ पर मुझे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड ब्रॉडकास्टिंग को संभालते हैं जी, उनका नेम है अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा जी प्रोवाइड किए गए। सो आज की वीडियो जी तक कंप्लीट है जी, वीडियो स्मॉल है क्योंकि अवार्ड्स इतने ही थे इस मंथ में। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगी हो पीछे आवाज़ थोड़ी सी आ रही हो देन उसके लिए माफ़ करना जी। नेक्स्ट वीडियो से हम ध्यान में रखेंगे, मुझे नहीं लगता वैसे आनी चाहिए, फिर भी थोड़ी मोटी आती होगी, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा मुझे पता है जो। तो सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।